कलाम प्रोजेक्ट्स में आप सभी का स्वागत है और ये किट हम आप लोगों को डिलीवर कर रहे हैं एंड दिस इज द वर्किंग मॉडल बेसिकली एंड दीज आर द कंपोनेंट्स एंड द इंस्ट्रूमेंट्स वी आर सेंडिंग यू। ये मल्टी आयरन रहेगा आपके साथ में, ये मल्टीमीटर रहेगा, ये 9 वोल्ट का सप्लाई रहेगा, ये सोल्डिंग वायर रहेगा, ये मॉस्फेट है, ये आपका मॉस्फेट के साथ में ये वायर्स हैं, स्विच है, रिले यूनिट है, कनेक्टर्स हैं, मोटर है, ESP मॉड्यूल है और आपका PCB यूनिट है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको फैब्रिकेशन के लिए वी आर सेंडिंग यू। यू कैन फैब्रिकेट अकॉर्डिंग टू द सर्किट डायग्राम वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू। और ये आपका एक यूनिट है जो कि रेडी यूनिट है जिसको आप फाइनली रिप्लेस भी कर सकते हो और आपका अपना रेडी हो जाता तो उससे भी कर सकते हो। तो सेंसर्स को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें आपके अंदर जो है आइडेंटिकल वी आर सेंडिंग यू। एंड दिस वन इज अवर एप्लीकेशन, ब्लिंक IoT की एप्लीकेशन है, तो ये हम कॉन्फिगर कर देंगे आपको, इसका भी वीडियो भेज देंगे। तो टेम्परेचर मेजरमेंट, ह्यूमिडिटी मेजरमेंट, करंट मेजरमेंट और वोल्टेज मेजरमेंट, ये चार चीज़ें जो हैं आपकी इस प्रोजेक्ट किट से हम लोग मेजर करके दिखाएंगे। इसको थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं। ESP मॉड्यूल जो है आपका लगा है, इसके अंदर प्रोग्राम किया जाता है सी लैंग्वेज के अंदर। और ये जो रिले मॉड्यूल्स हमने लगाए हैं ये जस्ट फॉर द चेंजिंग ऑफ मोड, के जो वोल्टेज और करंट के मोड चेंज होते हैं उसके लिए हमने यूज़ किए हैं। करंट सेंसर सीरीज में रहेगा लोड इसके, वोल्टेज सेंसर पैरेलल में रहेगा और ये है डिजिटल ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर सेंसर जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को डिजिटली मेजर कराता है। और ये स्विच जो है ये मोड चेंज करने के लिए, कि जब एक बार प्रेस करते हैं तो वोल्टेज दिखता है और दूसरी बार प्रेस करते हैं तो करंट दिखता है आपको। ये कनेक्टिंग जैक्स हैं, पावर सप्लाई वगैरह के भी कनेक्टिंग जैक्स हैं। ये हमारा 9 वोल्ट 2 एम्पीयर का पावर सप्लाई का अडैप्टर ये है और एक अडैप्टर हम आपको जो भेज रहे हैं वो सामने रखा है। तो ये दो अडैप्टर्स हम आपको अवेलेबल करवाएंगे जिससे आपका पूरा पूरा प्रोजेक्ट रन कर रहा है। ये एक वोल्टेज रेगुलेटर मॉस्फेट लगाया, ये अलग से भी हमने आपको भेजा है फैब्रिकेशन के दौरान। 7809 वोल्टेज रेगुलेटर है, 9 वोल्ट से ऊपर जाने से रोकता है ये सप्लाई को। तो दिस इज बेसिकली द मॉस्फेट बट इट इज एक्टिंग लाइक अ वोल्टेज रेगुलेटर हियर। तो इसके अंदर पहले प्रोग्राम करते हैं, जो भी पिन्स ऑफ सर्किट डायग्राम में हमने डिफाइन कर रखी है उनसे हमने वोल्टेज सेंसर कनेक्ट कर दिया, करंट सेंसर कनेक्ट कर दिया, DHT सेंसर कनेक्ट किया, यानी कि जो भी डाटा इसके अंदर से निकल कर आएगा वो हम पहले ESP मॉड्यूल को देते हैं और ESP मॉड्यूल क्या करेगा, इस डाटा को सर्वर पर भेजेगा और सर्वर के बाद जो डाटा है वो आपका मोबाइल एप्लीकेशन पे आ जाएगा। तो बेसिकली चार पैरामीटर्स जो हमको मॉनिटर करने के हैं वो है वोल्टेज, करंट, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। तो किसी भी चीज़ का वोल्टेज, करंट, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है, जहाँ भी आप इसको लगाएंगे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चारों पैरामीटर्स जो हैं इक्वली एप्लीकेबल रहेंगे सभी तरीके के स्टॉप पर। तो हमने इनको कनेक्ट कर दिया है डिजिटल पिंस पर, डिजिटल ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर सेंसर्स को, और बाकी दो पिंस पर जो है वोल्टेज सेंसर और करंट सेंसर यूज़ हैं जो कि आपको अल्टरनेट वे में यूज़ होते हैं। तो इसका डेमोस्ट्रेशन है, ये PCB है पूरी जो हमने फैब्रिकेट कर रखी है, तो कोई चीज़ अभी रह नहीं गई है यहाँ पर। ये 6 वोल्ट DC की इलेक्ट्रोमैटिक रिले है, ये 7809 का वोल्टेज रेगुलेटर है, ये वोल्टेज सेंसर, करंट सेंसर, डिजिटल ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर सेंसर, ये एक लोड की तरह 9 वोल्ट की मोटर लगाई है, ब्लिंक IoT एप्लीकेशन है और ये 9 वोल्ट 2 एम्पीयर का एक अडैप्टर है जो यहाँ पर यूज़ आने वाला है। तो लेट्स सी द डेमोस्ट्रेशन ऑफ इट। पहले हम इसको लगाएंगे, पावर सप्लाई देंगे हम इसको, तो ये लोड चलने लगेगा कम्प्लीटली, परमानेंटली चलने लगेगा और फिर इसको हॉटस्पॉट से कनेक्ट करेंगे। जैसे कि हम इसको हॉटस्पॉट का नाम हॉटस्पॉट रख देना है, पासवर्ड का नाम पासवर्ड रख देना है अपनी सेटिंग्स में जाकर। जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। जब ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा तो ऐप का स्टार्टिंग में ही आपका ये ऑनलाइन शो हो जाएगा, यानी कि अगर ऑफलाइन होगा तो यहाँ पर ऑफलाइन लिखकर आएगा और अगर ऑफलाइन नहीं होगा या ऑनलाइन होगा तो यहाँ कुछ लिखकर नहीं आएगा, यानी कि दिस टाइम दिस डिवाइस ऑनलाइन, यानी कि हॉटस्पॉट से जो ESP मॉड्यूल है वो कनेक्ट हो चुका है। तो उसको ओपन करके देखेंगे हम, टेम्परेचर अभी 26 डिग्री सेल्सियस है और 94 जो है इसका ह्यूमिडिटी रहेगा, जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ का राइट नाउ टेम्परेचर जो है 26 है और करंट यहाँ पर लगभग 10-12 के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है। अभी वोल्टेज वाला मोड हमने शिफ्ट नहीं किया है, तो आपका करंट लगभग 10-12 मिली एम्पीयर यहाँ पर शो हो रहा है। और जब हम मोड को चेंज करते हैं, मोड को चेंज करेंगे बटन प्रेस करते ही, तो करंट की जगह हमको पर वोल्टेज दिखाई देने लगेगा। अब करंट यहाँ पर शो नहीं हो रहा, वोल्टेज शो हो रहा है लगभग 8 वोल्ट यहाँ पर वोल्टेज निकल के आ रहा है, 8 वोल्ट निकल कर आ रहा है। 9 वोल्ट का अडैप्टर यूज़ किया है हमने तो उसी का मेजर कर रहे हैं हम लोग, तो 1 वोल्ट लॉसेस में जा रहा हो, लगभग 8 वोल्ट आ रहा है। तो ये हो गया आपका वोल्टेज और करंट जो कि आपको मेजर करना है। अब डिजिटल ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर सेंसर जो हमने लगा रखा है, इस पर 18 डिग्री जो है टेम्परेचर है, 17 डिग्री एंड 87 जो है वो ह्यूमिडिटी है, ठीक है। तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। आयरन से हम आपको शो करके दिखाते हैं कि कैसे वर्क है। तो आयरन जैसे ही हम इसकी प्रॉक्सिमिटी में लेकर आएंगे, आप देख सकते हैं टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, ह्यूमिडिटी 86 है, 21 डिग्री हो गया टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है 87 है, 88 है। टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, 22 हो गया टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर 23 हो गया, 24 हो गया, ह्यूमिडिटी कम हो रही है, 86 हो गई है, 88 से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी कम हो रही है, 26 टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी 84 हो गई है, अभी 27 टेम्परेचर हो गया, 28 हो गया, ह्यूमिडिटी 77। तो ह्यूमिडिटी कम होती जाएगी और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जैसे ऐसे इन्वर्सल प्रोपोर्शनल रहते हैं। टेम्परेचर हो गया आपका 30 डिग्री, ह्यूमिडिटी 65 हो गई, तो आप इसको थोड़ा सा दूर रखेंगे आयरन को DHT से और इसे बड़ा घटा सकते हैं। बाकी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा इसकी प्रॉक्सिमिटी में उसका टेम्परेचर ह्यूमिडिटी भी मेजर करता ही रहेगा। तो डायरेक्टली आप शो कर सकते हैं कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कैसा है, लेकिन अगर आपको इमीडिएटली बनाने का टाइम है तो आयरन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आयरन टच नहीं करना है इसी सर्फेस, आयरन थोड़ा सा दूर रखना है आपको। तो इस तरीके से सारा का सारा स्टॉक रिकॉर्ड कराते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग कलाम।